आप सभी को मेरा प्रणाम। हर्बल रेमेडीज नेचर स्टेजर में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे करंज की पोंगामिया पिन्नेटा। ये हाईली मेडिसिनल प्लांट है और मेडिसिनल के साथ साथ यह बायोडीजल प्लांट भी है। इसके आप लीव्स देख रहे होंगे, ये कंपाउंड इम्पेरी पिन्नेट लीव्स हैं। फैबेसी का ये मेंबर है और इसके अंदर विभिन्न प्रकार के केमिकल कंपाउंड लाइक फ्लेवोनॉइड्स, फ्लेवोनोलिक कंपाउंड्स, पोंगामोल, पोंगा फ्लेवोन, आइसो पोंगा क्रोमीन पाया जाता है। और एंटीऑक्सीडेंट्स का तो ये समझिए कि वाइल्ड में एंटीऑक्सीडेंट का तो रिच सोर्स है ही। मुख्य रूप से पित्त निवारण के लिए इसका उपयोग किया जाता है और पित्त से जनित विभिन्न प्रकार के रोगों में रामबाण औषधि का ये प्लांट कार्य करता है। इसकी आप पॉड्स देख रहे होंगे, ये जो पॉड्स हैं, पॉड्स के अंदर सीड पाया जाता है। इस तरह से इसका सीड होता है और सूखने के बाद ये सीड ब्राउनिश कलर का हो जाता है। इस सीड के अंदर ऑयल पाया जाता है और इस ऑयल का स्किन प्रॉब्लम्स के लिए, उनके निवारण के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। यह जो ऑयल होता है, विभिन्न प्रकार के स्किन इचिंग हो, स्कैबीज की समस्या हो, या गोनोरिया हो, या फिर लेप्रोसी की समस्या हो, उस पे भी इसका तेल अप्लाई किया जाता है। हीलिंग बड़ी फास्ट करता है। हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस 1, वायरस 2 दोनों में भी इस तेल को हम अप्लाई करते हैं और फास्टली इसकी हीलिंग होती है। इस प्लांट के अंदर एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटीफंगल, एंटी लीशमैनियल और हिपेटोप्रोटेक्टिव, लिपोपरोक्सीडेज एक्टिविटी, एंटी आर्थराइटिक एक्टिविटी, एंटी हाइपर इम्यूनोटिक एक्टिविटी पाई जाती है। इस प्लांट को यूज़ करने का तरीका अगर मैं बताऊं तो सिंपल, आप इसके लीव्स का डिकॉक्शन लेंगे तो ये हिपेटोप्रोटेक्टिव, फ्री रेडिकल, स्कैवेंजिंग एक्टिविटी मैंने बताया, इसके कारण ये पित्त जनित रोगों का निवारण करता है। मैं कहूँ ब्रोंकाइटिस की समस्या है या अस्थमा की समस्या है उसमें भी लाभ करता है। पेट में वर्म्स हों उनको ये बाहर निकालता है, वर्म्स के एक्सपल्सन का कार्य करता है। इसकी जो स्टेम आप देख रहे हैं, स्टेम का आप महीन चूर्ण बना सकते हैं, स्टेम की बार्क का महीन चूर्ण बनाना चाहिए और अगर मूल का महीन चूर्ण मिल जाए तो वो भी उत्तम होता है। नॉर्मली कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मूल का चूर्ण औषधीय गुणों के लिए हम रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि इसके जो फ्लावर्स होते हैं, लीव्स होते हैं और स्टेम का जो बार्क होता है वो भी इतना ही इफ़ेक्टिव होता है, तो इनके जगह हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। मित्रों, रूमेटिक आर्थराइटिस की भी समस्या, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से जुड़ी हुई समस्या है, इसमें जो इसके सीड से निकाला हुआ तेल है उसकी हमें मसाज करनी चाहिए और इसका बार्क का डिकॉक्शन भी हमें पैरेलली पीते रहना चाहिए। क्या करना है, हमें 20 से 30 ml तक इसके छाल का डिकॉक्शन बनाकर पीना चाहिए। अगर बाल उड़ गए हैं या फंगल एक्टिविटी के कारण या हार्मोनल एक्टिविटी के चेंज होने से, तो आप इसके बीजों का पेस्ट भी बालों पे अपने स्कैल्प पे लगा सकते हैं ताकि बाल आ जाएं। मित्रों, इस प्लांट का जो ऑयल होता है वो हाईली मेडिसिनल है, उसके अंदर एंटी अस्थमेटिक, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल एक्टिविटीज़ होती हैं और साथ ही साथ एंटी नोसीसेप्टिव एक्टिविटी भी होती है। पित्त के कारण जो ट्यूमर बन जाता है, ट्यूमर में जो पेन होता है उसके निराकरण के लिए इसके तेल की मसाज करनी चाहिए और साथ ही हमें इसके लीव्स और इसकी बार्क का डिकॉक्शन भी पीते रहना चाहिए। 20 से 30 ml दिन में दो बार इसकी बार्क का डिकॉक्शन पीना चाहिए और उसमें स्वाद अनुसार हमें हनी मिला लेना चाहिए। हनी के मिलाने से इसकी जो गुणवत्ता है वो बढ़ जाती है। इस्तेमाल करते हैं यह, इसके जो बीज का जो पेस्ट होता है वो ऑर्गेनिक कल्टीवेशन में भी इस्तेमाल किया जाता है। वंडरफुल इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का कार्य करता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए आप इसके पत्रों का, इसके बार्क का, इसके सीड का विभिन्न प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं या टेलीफोनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से भी
अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। साथियों, लेकिन आपसे आग्रह ये होगा कि आप हमें 7 बजे के बाद कॉल करें तो ज़्यादा उत्तम होगा, अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए, या फिर कुछ आपको समस्याएं हैं तो उसके निराकरण के लिए। कहीं गांठ बन गई है, सूजन हो गई है, तो इसके पत्र को हमें बांध देना चाहिए और पत्र के ऊपर रिंड का तेल गर्म करके लगाना चाहिए और उसकी हमें ड्रेसिंग कर देनी चाहिए। धीरे धीरे देखेंगे कि सूजन भी उतर जाती है। वंडरफुल वाउंड हीलर भी है, ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट करने वाला होता है। इसके साथ साथ यह विभिन्न प्रकार के जो मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेज हैं उनको भी क्योर करता है। ना केवल ये बायोडीजल प्लांट है बल्कि ये हाईली मेडिसिनल प्लांट है। इसको आप कंजर्व कीजिए, इसको लगाइए, इसके गुणों को जानिए। टैक्सोनॉमिक आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है ताकि सही स्पीसीज़ को हम यूज़ कर सकें। ये जो जानकारी आपको दी है ये लोक हित के लिए है, ताकि आप ये जानकारी और लोगों के साथ भी साझा करें और सभी लोग इस जानकारी से लाभान्वित हो सकें। इस प्लांट का प्रोपेगेशन सीड के माध्यम से और कटिंग के माध्यम से सहजता से हो जाता है। वंडरफुल प्लांट है। एलिलोकेमिकल इफेक्ट भी इस प्लांट का होता है, उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के लिए अगर आप कल्टीवेट कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक कल्टीवेशन के साथ करना ज़्यादा उत्तम होता है। ये जो जानकारी है आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए प्लांट के साथ, नए समाधान के साथ। प्रणाम, नमस्कार।